नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। त्रेपन दहिसर विधानसभा मतदार संघ दहिसर में जो जब काउंटिंग हो रही थी, तब काउंटिंग में हम लोगों ने सब, यानी मैं खूब कैंडिडेट मनसे का और बाकी सब पार्टी के, कांग्रेस के हो, बाकी पार्टी के, बीएसपी के, भारतीय जनसंघ पार्टी के लोग हों, अपक्ष उम्मीदवार, इन्होंने एक प्रक्रिया जब चालू थी तभी एक मशीन आई, वो मशीन बोगस मशीन हम लोग सब लोग ने पकड़ी और मशीन पकड़ने के बाद वहाँ के आरओ ने एक्सेप्ट भी किया, हाँ ये मशीन हमारे जो लिस्ट में है, लिस्ट में मशीन का नंबर नहीं है और मैं मेरे टेबल पर रखता हूँ, और ये उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद दूसरी बात उन्होंने दो राउंड होने के बाद तीसरी मशीन बोगस आई, ऐसे तीन मशीन बोगस आने के बाद भी वो आरओ ने वो मशीन अपने ताबे में ली, उसके बाद में उन्होंने क्या किया पता नहीं। हमारी मांग है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस विधानसभा में री इलेक्शन हो और बैलेट पेपर हो। नमस्कार, मैं कांग्रेस प्रवक्ता अरुण सावंत, दहिसर विधानसभा 153 का मैं उम्मीदवार हूँ, और कल हमारे यहाँ पर मतदान मोजनी का जो प्रक्रिया थी जो होगी, सेकेंड राउंड जब आया तब सेकेंडवे राउंड को एक बोगस मशीन पकड़ी गई जिसका नंबर अलग था और दिया हुआ फॉर्म नंबर 17 का नंबर अलग था। तभी हमने ये बात रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ के चीफ पोलिंग ऑफिसर के नज़र में लाई, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ी है, मशीन अलग है, इसको हम साइड में रखते। उसके बाद प्रक्रिया हमने चालू की तो वापस थर्ड राउंड में वापस और एक मशीन मिली, स्ट्रांग रूम में से बोगस मशीनें बाहर आने लगी। सेकेंड राउंड को जब हमने उनको पकड़ा के दी मशीन, उस वक्त भी उन्होंने बोला कि हाँ कुछ गड़बड़ है, इसका हम बाद में देखेंगे। लास्ट में हमने बोला इसको खोल के बताओ, इसके अंदर नक्की क्या है वो मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हम खोलेंगे नहीं, मतदान प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं, पुलिस का दबाव डालकर वो प्रक्रिया चालू रखी। फिर चौथे पांचवें राउंड में और एक मशीन आई जिसमें नंबर अलग था, इंग्लिश में, मराठी में, और उसका अल्फाबेट अलग था, फॉर्म नंबर 17 में 0 लिखा था, लेकिन मशीन में 500 से ज़्यादा वोट थे। उस वक्त हम सभी हम जो इच्छुक, ये तो मतलब हम लोग जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों ने हमने बहिष्कार डाला, उनको कहा कि ये प्रक्रिया अभी बंद होनी चाहिए क्योंकि बोगस मशीन स्ट्रांग रूम में से बाहर आ रही, इसका पता चलना चाहिए। लेकिन हरिश्चंद्र पाटिल जो मुख्य निवडणूक अधिकारी थे, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, हमको डराया, धमकाया, पुलिस को बुलाया, और उसके बाद हमने कहा कि अब हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया बोगस है और आप उसमें मिले हुए हो। हम सारे कैंडिडेट यहाँ वहाँ से बाहर निकल चुके, हमारे सारे एजेंट बाहर निकले, हमारे उम्मीदवारों के जो प्रतिनिधि थे वो बाहर निकल गए, वहाँ पे कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं होने के बावजूद मतदान अधिकारी और जो ऑब्जर्वर आए थे दिल्ली से, इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने किसके नज़र में ये सारे मशीन का आगे का चेक किया 9th राउंड के बाद, ये सवाल है मेरा। तो जो मशीनें 9th राउंड के बाद चेक की गई है वो टोटली इल्लीगल थी, वो असली मशीनें थी या नकली किसी ने देखा नहीं, क्योंकि पुरानी कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। हमारा ये मांग है कि ये इलेक्शन प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए दहिसर की, और जो निकाल जाहिर किया है गलत रास्ते से तो वो उसको रद्द होना चाहिए, फिर से चुनाव होनी चाहिए और वो चुनाव बैलेट पेपर के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि 9th राउंड के बाद जो भी राउंड चेकिंग किए गए उसके लिए कोई वहाँ पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के निवडणूक अधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे वही थे, उसकी उम्मीदवार भी वहाँ नहीं थी, मतलब ये पूरा का पूरा सेटिंग था, ये सब अधिकारी मिले हुए थे, ये हमारा कहना है। और इसके लिए ऊपर री इलेक्शन होके हमें इस लोकशाही में न्याय मिलना चाहिए, हम सब उम्मीदवारों को न्याय मिलना चाहिए, हमारा मांग है। एडवोकेट हर्षदाई चौकेकर, मैं ये जो अभी दहिसर विधानसभा में इलेक्शन के टाइम पे जो भी घोटाला हुआ है उसकी मैं पूरी एक साक्षीदार हूँ। मैंने देखा है कि जो वोट चोरी क्या होता है, ये मेरे को नज़रिया वहाँ पे देखना मिला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर दूंगी तो शिवाजी नगर एरिया में मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं, मेरे काफ़ी कार्यकर्ता हैं, मेरे काफ़ी मित्र परिवार हैं, तो अगर मैं उस टाइम के उस वोटिंग का, उस बूथ के वोटिंग का अगर मैं चेकिंग देखती हूँ तो मुझे वहाँ पर 0 वोट मिल रहा है। उससे मेरे को शॉकिंग से और कुछ शॉकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरा वोट उनको नहीं आया मुझे तो वो गया कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मेरा नहीं, मेरे जनता का है, ये मैं तो जनता की तरफ से बोलूँ
क्योंकि मुझे ये सवाल पूछा गया जब मैंने उनको बताया कि मेरे आपके यहाँ से मेरे को इतना वोट आया, तो उन लोग के भी होश उड़ गए, पूरी शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ उनके मन में पूरा संशय पैदा हो गया है और ये जो घोटाला है ये तो हुआ ही 100%, मैं तो 100% बोलूंगी ये घोटाला हुआ है। ये मुद्दा मेरा नहीं है, उनको जो पूछने का है उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से बात करना चाहिए। मैंने हमारे सब काउंटिंग एजेंट हैं, उनके भी काउंटिंग एजेंट हैं, 10 पार्ट होने के बाद, 10 राउंड होने के बाद मेरा जब भी 40,000 का लीड हो गया, उसके बाद उन्होंने तमाशा करने का चालू कर दिया, तो उनको मालूम पड़ा कि भाई हमारी हार हो रही है। अरे जीतने वाले हैं तो प्रेम से आओ, आगे इलेक्शन कमीशन से बात करो। जब भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो 5 VPM का के सभी वोटर के उन्होंने स्लिप काउंटिंग की, वो CCTV कैमरा में है, उधर मीडिया के लोग थे उनके सामने हुआ है, तो जो बात करनी है वो उन्होंने इलेक्शन के आरओ के साथ, इलेक्शन कमिश्नर के साथ बात करनी है। मेरे को अगर ऑब्जेक्शन, वो टाइम मैं वहाँ हाजिर नहीं थी, लेकिन मेरा इलेक्शन एजेंट के सामने एक महिला को गंदी गाली देना जो अरुण सावंत ने मेरे को दी, इससे बड़ी कांग्रेस की जो हैसियत है वो मालूम पड़ती है कि महिला एक चुन के आई जिसने 5 साल काम किया, जनता जनार्दन ने उसको समर्थन दिया। जब भी आपके हार होती है तो कैंडिडेट को गाली क्यों देते हैं, उधर सामने गंदी गाली देते हैं। आरओ के आपको जो ऑब्जेक्शन है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्शन लो, कैंडिडेट आप अगर कांग्रेस की पूरी हार होती है उत्तर मुंबई में तो अरुण सावंत को समझना चाहिए कि आप कहाँ के, अगर कांग्रेस की नीयत अच्छी रहती है तो महिला के ऐसे गंदी गाली नहीं देते थे। आए थे CCF का स्टाफ था, उनको CRF का स्टाफ था, उनको हॉटलाइन चाहिए थे, उधर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था, तो उसको इलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो जो अरुण सावंत को मालूम नहीं होगी। कलेक्टर के ऑर्डर के बाद अगर उनको हॉटलाइन की केबल डालते हैं और क्या कंप्यूटर और अपना मशीन का किधर कनेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन लेता है। आप पर भी आरोप है कि आपने अधिकारियों को मैनेज करके रखा था। अरे बाप रे, इतनी बड़ी होती तो क्या होता था।